सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बनके तारे। नमस्कार, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श शिक्षण संस्थान। पिछले वीडियो में हमने द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का सेकंड पार्ट शुरू किया था, जिसमें जिम मैकफर्सन है वो अपनी वाइफ कॉनी मैकफर्सन को एक पत्र लिखता है। उस पत्र में क्या लिखता है उसके कुछ भाग को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। आगे हम पढ़ेंगे इसी वीडियो में कि उस पत्र में और वो क्या बताता है अपनी वाइफ को। पत्र वाचन शुरू करने से पहले हम इस भाग में आए कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स का मीनिंग देखते हैं। लेट्स बिगन द चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर, पेज नंबर 11, लास्ट पैराग्राफ। यू कैनॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी माई फीलिंग एज आई लुक्ड इन टू द आईज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी हैंड आउट स्ट्रेस्ड हैंड्स वुल्फ। ही सेड ग्रीपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इन टू द आईज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर। जैसे ही मैंने उस जर्मन सैनिक की आँखों में देखा, उस समय मेरी जो फीलिंग थी, मेरी जो भावना थी, उसको तुम समझ नहीं सकती हो, उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती हो। कॉनी हु अप्रोच्ड मी, जो मेरे पास पहुंचा। अप्रोच का मतलब होता है आना या पहुंचना। हैंड आउट स्ट्रेस्ड, और हाथ फैलाए, और अपना नाम बताया हैंस वुल्फ। ही सेड, उसने कहा भाई मेरा नाम हैंस वुल्फ है, और उसने मेरे सामने हाथ मिलाने के लिए हाथ फैलाया। ग्रीपिंग माई हैंड वार्मली, वार्मली का मतलब होता है गर्मजोशी के साथ में, या बहुत ही उत्साह के साथ में, और उसने बहुत ही उत्साह के साथ में मुझसे हाथ मिलाया। होल्डिंग इट, और इसको पकड़े रखा, होल्ड यानी पकड़ना। आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ, और उसने कहा कि मैं डसलडॉर्फ से हूँ। डसलडॉर्फ एक स्थान का नाम है जो जर्मनी में है। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा एक तरह का वादक समूह होता है, और सेलो एक प्रकार वायलिन टाइप का एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है। तो उसने कहा कि भाई मैं एक ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ, और उसने कहा हैप्पी क्रिसमस, और उसने मुझे क्रिसमस की शुभकामनाएँ दी। कैप्टन जिम मैकफर्सन, I replied, and a happy Christmas to you too. I am a school teacher from Dorset in the west of England. Oh, Dorset, he smiled. I know this place. I know it very well. We shared my rum ration and his excellent sauces. And we talked, Connie. How we talked. He spoke almost perfect English, but it turned out that he had never set foot in Dorset, never even been to England. He had learned all he knew of England from school and from reading books in English. His favorite writer was Thomas Hardy. His favorite book
far from the madding crowd. So out there in no man's land, we talked of Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset. He had a wife and one son, born just 6 months ago. As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. Hans Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake. Connie, he thought the marzipan was the best he had ever tasted. I agreed. We agreed about everything, and he was my enemy. There never was a Christmas party like it, Connie. Captain Jim McPherson, I replied. जब उसने अपना नाम बताया, अपना परिचय दिया, तो मैंने भी उसको उत्तर दिया कि भाई मेरा नाम जिम मैकफर्सन है और हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और आपको भी क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई. आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉरसेट, और मैंने उनको बताया कि मैं डॉरसेट से एक स्कूल टीचर हूँ. इट वॉज वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, और ये इंग्लैंड के वेस्ट में, इंग्लैंड के पश्चिम में हैं. जब मैंने उसको बताया कि मैं डॉरसेट से हूँ, तो उसका रिएक्शन ऐसा था, ओह डॉरसेट, ही स्माइल्ड. उसने मुस्कुराते हुए कहा, ओह डॉरसेट, अरे डॉरसेट, आई नो दिस प्लेस, मैं इस प्लेस को, मैं इस स्थान को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ. आई नो इट वेरी वेल, मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ. वी शेयर्ड माई रम राशन, राशन का मतलब हिस्सा या भाग से है, और मेरा जो रम का राशन, मेरे रम का जो हिस्सा बचा था, हमने उसको भी आपस में बांटा. एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, और उसका जो शानदार कबाब था, उसको भी आपस में मिल बांट करके खाया. एंड वी टॉक्ड, और हमने बातें की. कौनी, हाउ वी टॉक्ड, हमने कैसे बातें की, मतलब ऐसा बात जैसा लग ही नहीं रहा था कि हम लोग आपस में दुश्मन हैं, हम लोग आपस में इतनी अच्छी तरह से बातें कर रहे थे. ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, और वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा था. बट इट टर्नड आउट दैट ही had never set foot in Dorset. लेकिन turned out का मतलब होता है वास्तविकता उजागर होना या पता चलना. ये पता चला कि उसने कभी Dorset में कदम भी नहीं रखा. Never even been to England. Dorset तो छोड़ो, वो कभी England भी नहीं आया. He had learned all he knew of England from school. और England के बारे में वो जो कुछ भी जानता था, वो उसने स्कूल से सीखा था. कहने का मतलब स्कूल में सुन करके या स्कूल में किताबों को पढ़ करके सीखा था. एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और उसने इंग्लिश की बुक्स पढ़ी थी, उसकी वजह से ही वो डॉरसेट और इंग्लैंड के बारे में जानता था, जबकि वो इंग्लैंड कभी आया भी नहीं था. उसके बावजूद उसका जो इंग्लैंड के बारे में या डॉरसेट के बारे में जो नॉलेज था, वो बहुत अच्छा था. हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, और उसका जो फेवरेट राइटर था वो थॉमस हार्डी था. थॉमस हार्डी एक इंग्लिश राइटर हैं, जो कि उसका फेवरेट राइटर था. ही हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और उसकी जो फेवरेट बुक थी वो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, जो थॉमस हार्डी की एक बहुत ही फेमस बुक है, वो उसकी फेवरेट बुक थी. सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ Bathsheba एंड गैब्रियल ऑक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉरसेट. ये Bathsheba, गैब्रियल ऑक और सर्जेंट ट्रॉय हैं, ये थॉमस हार्डी का एक प्ले है, उसके पात्र हैं, उनके कैरेक्टर हैं. उनके बारे में हमने बात की, और हमने डॉरसेट के बारे में भी बात की. ही हैड अ वाइफ एंड वन सन, और उसने बताया, हैंस वुल्फ ने, जो जर्मन सैनिक था, जर्मन कैप्टन था, उसने बताया कि उसकी एक पत्नी है और एक बच्चा है. बॉर्न जस्ट 6 months अगो, और वो अभी 6 महीने पहले ही जन्म हुआ है. एज आई लुक्ड अबाउट मी, देर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर. हडल का मतलब होता है ढेर लगा हुआ होना, और जैसे मैंने वहाँ पर देखा, या बहुत मात्रा में भीड़ इकट्ठे होना, मैंने देखा कि वहाँ पर ग्रे और खाकी, कहने का मतलब जो जर्मन सैनिक और इंग्लैंड सैनिकों की भीड़ लगी हुई थी, एवरीवेयर प्रत्येक जगह पर. All over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating.
और नो मैंस लैंड वो जो सीमा रेखा थी उसमें हर जगह पे वो लोग स्मोकिंग धूम्रपान कर रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, शराब पी रहे थे एंड ईटिंग और कुछ ना कुछ खा रहे थे। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, तुमने जो वंडरफुल जो अच्छा सा क्रिसमस केक बनाया था उसमें से जो बचा था हमने उसको भी शेयर किया, आपस में मिल बांट करके खाया। कॉनी ही थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, और उसका ऐसा मानना था कि उस केक का जो मार्जिपन था, मार्जिपन केक का ऊपरी भाग होता है जो अंडे बादाम वगैरह से बन करके केक की जो ऊपरी परत बनाई जाती है उसको मार्जिपन बोलते हैं। तो हैंस वुल्फ का ये मानना था कि मार्जिपन जो था उस केक का वो सबसे बेस्ट था, सबसे स्वादिष्ट था, आज तक उसने जितना भी केक खाया उनमें सबसे स्वादिष्ट था। आई एग्रीड, और मैं भी उसकी बात से सहमत हुआ। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, और हम प्रत्येक बात पर एग्री हुए, यानी कि हमने जितनी भी आपस में बातचीत की हम दोनों एक दूसरे की बातों से एग्री कर रहे थे, एक दूसरे की बातों से सहमत हो रहे थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, और वो मेरा दुश्मन था, हालांकि वो मेरा दुश्मन था लेकिन फिर भी हम हर बात पर एग्री कर रहे थे। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी, और कॉनी आज तक इतनी अच्छी, इतनी श्रेष्ठ, इतनी सुंदर क्रिसमस पार्टी कभी भी नहीं हुई। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिज आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, क्लैपिंग आवर हैंड्स, स्टेपिंग आवर फीट टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रीथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, ही saw it too and smiled. Jim McPherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war, a football match. No one dies in a football match, no children are orphaned, no wives become widows. Then someone, I don't know who, brought out a football. Tab pata nahi kaun, I don't know who, मैं नहीं जानता कौन, लेकिन कोई फुटबॉल लेकर के आया। वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, ग्रेट कोट्स जो बड़े बड़े कोट्स होते हैं उनको डम्प्ड किया गया, ढेर लगाना है तो ढेर लगा करके उनसे गोल पोस्ट बनाया। फुटबॉल में गोल पोस्ट होता है जहाँ पर सामने वाली टीम है गोल करती है, तो उन कोर्ट के माध्यम से, वहाँ पर खंभे वगैरह थे नहीं तो उनको कोर्ट्स के माध्यम से हमने गोल पोस्ट बनाया। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिज, और अगली बात या एक बात जो हम जानते थे वो ये थी कि ये जो मैच था वो टॉमी और फ्रिज के बीच में था, इंग्लैंड के सैनिकों और जर्मन सैनिकों के बीच में था। आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड, और वहाँ पर नो मैंस लैंड जो सीमा रेखा थी उनके बीच में वो मैच चल रहा। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, हैंस वुल्फ और मैंने वो मैच देखा और चीयर्ड, चीयर्ड का मतलब बताया जो खिलाड़ी थे हमने उनको प्रोत्साहन दिया, उनको उनका हौसला अफजाई किया। क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, और उनको चीयर करने के साथ साथ हमने तालियाँ बजाई और अपने पैर भी पटक रहे थे जिससे कि हम अपने कीप आउट द कोल्ड, जिससे कि हम ठंड को दूर रख सके, कहने का मतलब ठंड से बचने के लिए हम पैर भी पटक रहे थे और साथ ही साथ उनका हौसला भी बढ़ा रहे थे। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रीथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, देयर वॉज अ मोमेंट, तब एक ऐसा क्षण आया व्हेन आई नोटिस्ड, जब मैंने ये नोटिस किया, ये ध्यान दिया, आवर ब्रीथ्स मिंगलिंग, मिंगल का मतलब था मिलना, आपस में मिलना, कि हमारी सांसें हैं वो हवा में आपस में बीच में मिल रही थी। आई नोटिस आवर ब्रीथ मिंगलिंग इन द एयर, हमारी जो सांसें थी वो हवा में मिल रही थी, बिटवीन अस, हमारे बीच में जो हवा चल रही थी उसमें वो सांसें आपस में मिक्स हो रही थी, मिंगल हो रही थी। ही सॉ इट टू एंड स्माइल्ड,
उसने भी वो देखा और मुस्कुराया। जिम मैकफर्सन, ही सेड आफ्टर अ वाइल, और थोड़ी देर बाद में उसने कहा, जिम मैकफर्सन आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिसॉल्व दिस वॉर, कि इसी तरह से हमें इस वॉर का भी रिसॉल्व कर लेना चाहिए, समझौता कर लेना चाहिए। किस तरह से? एक फुटबॉल मैच के माध्यम से। नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, नो चिल्ड्रन आर ऑफंड, नो वाइव्स बिकम विडोज, क्योंकि एक फुटबॉल मैच में कोई मरता नहीं है। नो चिल्ड्रन आर ऑफंड, ऑफंड का मतलब होता है अनाथ होना, और जब कोई सैनिक मरेगा नहीं तो उनके बच्चे अनाथ नहीं होंगे। नो वाइव्स बिकम विडोज, और कोई भी पत्नी है वो विधवा नहीं होगी। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे।